दोस्तों आज की मूवी कहानी एक ऐसे वायरस के जिसने धरती के 99% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया और धरती पर सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही बची है। इस मूवी का नाम है आई एम लेजेंड और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 out of 10। मूवी की शुरुआत में हम न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्टर को सुनते हैं जो एक फीमेल डॉक्टर का इंटरव्यू ले रही होती है, जहाँ डॉक्टर बताती है हमने एक ऐसा वायरस तैयार किया जो कैंसर का इलाज करता है। डॉक्टर बताती है हमने इसका ट्रायल 10,000 लोगों पर किया जिससे कि कैंसर से बीमार लोग पूरी तरह से ठीक हो गए, यानी कि ये वायरस पूरी तरह से इफेक्टिव है। लेकिन कुछ ही दिनों में इस वायरस का उल्टा असर होता है और जल्द ही वायरस से 99% लोग पृथ्वी से खत्म हो चुके होते हैं। बचे हुए 1% में से कुछ लोग वायरस से म्यूटेंट बन गए होते हैं। इसके बाद कहानी को 3 साल बाद दिखाया जाता है, जहां हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। यहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है। शहर में चारों तरफ जंगली घास उगी हुई होती है और अब इंसानों की बजाय जंगली जानवर शहर में घूम रहे होते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट नेविल होता है। रॉबर्ट के साथ एक डॉग भी होता है। असल में रॉबर्ट ही अकेला इंसान होता है जो न्यूयॉर्क सिटी में अभी भी जिंदा है। रॉबर्ट जिंदा रहने के लिए एक हिरन का शिकार कर रहा होता है, लेकिन उसके शिकार को एक शेर खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट के हाथ पर बंधी हुई घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब अब रात होने वाली है। जिसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग को लेकर अपने घर चला आता है और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेता है, क्योंकि रात हो चुकी होती है। रात में हमें रॉबर्ट के घर के बाहर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है रॉबर्ट यहाँ अकेला नहीं है, क्योंकि सिटी में वायरस से इन्फेक्टेड म्यूटेंट भी होते हैं। ये म्यूटेंट नरभक्षी होते हैं और ये अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि रोशनी में आते ही इनकी मौत हो जाती है। इसका मतलब है रोशनी इन म्यूटेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगली सुबह रॉबर्ट एक स्टोर में जाता है, यहाँ से रॉबर्ट खाना ले लेता है जो अब तक एक्सपायर नहीं हुआ होता है। तब हम देखते हैं कि रॉबर्ट खाने की कमी ना हो इसलिए सिटी में खेती भी करता है। इसके बाद रॉबर्ट घर आकर अपने डॉग को खाना खिलाता है, क्योंकि ये डॉग ही होता है जो रॉबर्ट को कभी अकेला फील नहीं होने देता। ये डॉग रॉबर्ट का फैमिली डॉग भी होता है जो उसके बेटे का होता है, लेकिन 3 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में रॉबर्ट की वाइफ और उसके बेटे की मौत हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं रॉबर्ट के घर में एक लैब भी होती है, क्योंकि रॉबर्ट एक डॉक्टर होता है, इसीलिए यहाँ रॉबर्ट वायरस का एंटीडोट बना रहा होता है। रॉबर्ट यहाँ चूहों पर अपने बना एंटीडोट का ट्रायल भी कर रहा होता है जो इस वायरस से इफेक्टेड होते हैं। तो रॉबर्ट के एंटीडोट से एक चूहा ठीक हो जाता है, मतलब रॉबर्ट को वायरस का एंटीडोट मिल जाता है। ये एंटीडोट वायरस इन्फेक्टेड होने से भी बचा सकता है और इन्फेक्टेड म्यूटेंट को फिर इंसान भी बना सकता है। लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता ये एंटीडोट म्यूटेंट पर काम करेगा या नहीं, क्योंकि रॉबर्ट अब तक चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन अब उसे एक म्यूटेंट चाहिए जिस पर वो अपने बना एंटीडोट का ट्रायल कर सके। अगले दिन जब रॉबर्ट एक हिरन का शिकार कर रहा होता है, तब हिरन एक अंधेरे से कमरे में चला जाता है जहाँ बहुत सारा अंधेरा होता है। लेकिन रॉबर्ट का डॉग भी हिरन का पीछा करते हुए अंधेरे में चला जाता है। रॉबर्ट अपने डॉग को बचाने के लिए अंधेरे में चला जाता है, वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट भी होते हैं। म्यूटेंट रॉबर्ट के पीछे पड़ जाते हैं। रॉबर्ट अपने डॉग को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, उसके साथ एक म्यूटेंट भी कूद जाता है। तभी वो म्यूटेंट सूरज की रोशनी में आकर के मारा जाता है। इसके बाद रॉबर्ट एक ट्रैप बिछाता है जिससे वो म्यूटेंट को एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ सके। इससे पहले रॉबर्ट अपने शरीर में एंटीडोट लगा लेता है जिससे वो वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। इसके बाद रॉबर्ट उस अंधेरे कमरे के बाहर एक कपड़ा बिछा देता है और उस पर ब्लड को फैला देता है। ब्लड को सूंघते ही एक म्यूटेंट वहां पर आ जाता है और रॉबर्ट के बिछाए कमरे में फंस जाता है। इस म्यूटेंट के पीछे और भी म्यूटेंट आते हैं, लेकिन वो रोशनी की वजह से बाहर नहीं आते। लेकिन इस म्यूटेंट को रॉबर्ट ने पकड़ा होता है, ये ब्लैक कपड़े में बंद होता है, इसलिए रोशनी का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। रॉबर्ट इस म्यूटेंट को अपनी लैब में लेकर के आ जाता है और उसे बांध देता है। ये एक फीमेल म्यूटेंट होती है। रॉबर्ट उसे अपना बनाया हुआ एंटीडोट लगा देता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। म्यूटेंट एंटीडोट लगने का बुरी तरह से चीखने लगती है, तब रॉबर्ट को लगता है ये म्यूटेंट मारी जाएगी, इसलिए उसे एक्सपेरिमेंट के लिए एक और म्यूटेंट चाहिए। इसके बाद रॉबर्ट न्यूयॉर्क सिटी की नदी के पास जाता है जहाँ पहले नेवी का अड्डा होता था। वहाँ रॉबर्ट रेडियो के जरिए बताता है अगर कोई इंसान अभी भी जिंदा हो तो वो उसे नेवी के इस अड्डे पर आकर मिले, क्योंकि उसके वह वायरस का एंटीडोट है और खाने का सामान भी है। लेकिन कोई भी इसका रिप्लाई नहीं देता है, तो रॉबर्ट को लगता है कि कोई भी इंसान धरती पर बचा ही नहीं है, सिर्फ वो ही अकेला इस दुनिया में बचा है। इसके बाद रॉबर्ट और उसका डॉग एक म्यूटेंट को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन रॉबर्ट का पैर
फिसल जाता है और वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद रॉबर्ट का डॉग भौंकना शुरू कर देता है जिससे रॉबर्ट को होश आ जाता है। अब जल्द ही शाम होने वाली होती है और उसके घड़ी का अलार्म भी बजने लगता है। तो रॉबर्ट अपने पैर में लगे चाकू से रस्सी को काट देता है और नीचे गिर जाता है जिससे उसे चोट भी लग जाती है। तभी वायरस से इन्फेक्टेड कुछ डॉग्स आ जाते हैं लेकिन ये रोशनी की वजह से रॉबर्ट के पास नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे रोशनी खत्म होने के बाद रॉबर्ट की ओर ये डॉग्स बढ़ने लगते हैं जिसके बाद रॉबर्ट खिसकते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचता है और अपनी बंदूक से इन डॉग्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन इन डॉग्स में से एक डॉग रॉबर्ट के डॉग को भी काट लेता है। इसके बाद रॉबर्ट म्यूटेंट डॉग को मार करके अपने डॉग को बचा लेता है। लेकिन वो अपने डॉग को घर वापस लेकर जब आता है तो उसके डॉग पर भी उस वायरस का असर होने लगता है और उसका डॉग भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और म्यूटेंट बनने लगता है। जिसके बाद रॉबर्ट काफी ज्यादा दुखी होता है और उसे अपने हाथों से ही उसका गला दबा करके मार देता है। रॉबर्ट अब बहुत ज्यादा दुखी हो चुका होता है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करता था। अब रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला होता है, उसके साथ कोई भी नहीं होता और रॉबर्ट सुसाइड करने की भी सोचने लगता है और रात में अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तब म्यूटेंट उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और उसकी गाड़ी को पलट देते हैं और एक म्यूटेंट रॉबर्ट को मारने ही वाली होती है कि तेज रोशनी आती है और सारे म्यूटेंट वहां से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एक लड़की रॉबर्ट को अपनी गाड़ी में बिठा करके ले जा रही होती है। वो रॉबर्ट से उसके घर का एड्रेस पूछती है और उसके घर ले आती है। अगली सुबह जब रॉबर्ट को होश आता है तो रॉबर्ट देखता है कि उसके पैरों को म्यूटेंट ने काटा होता है लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसने एंटीडोट ले रखा होता है। जिस लड़की ने रॉबर्ट को बचाया होता है उसका नाम एना होता है। इसके साथ एक छोटा सा 5 साल का लड़का भी होता है। इसके बाद रॉबर्ट एना और उसके लड़के को खाना खिलाता है। रॉबर्ट एना के लड़के को अपने बेटे के रूम में जाकर के सुला देता है। इसके बाद रॉबर्ट को एना बताती है कि हम तुम्हारा संदेश सुनकर के यहाँ आए हैं जिसे तुमने रेडियो पर भेजा था। तब एना बताती है हमारे जैसे और भी इंसान हैं जो शहर से बाहर एक बस्ती बना करके रह रहे हैं लेकिन रॉबर्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद रॉबर्ट एना को अपनी लैब में लेकर के जाता है जहाँ एना उस म्यूटेंट को इतने पास से देख करके हैरान रह जाती है क्योंकि इससे पहले एना ने म्यूटेंट को इतने पास से कभी नहीं देखा होता है। तब रॉबर्ट देखता है कि वो म्यूटेंट उसके एंटीडोट से ठीक हो रही है, वो धीरे धीरे इंसान बन रही है। वो शाम होने वाली होती और रॉबर्ट सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगता है। तब रॉबर्ट को पता चलता है जब एना उसे लेकर के आई थी तब सुबह होने वाली थी और म्यूटेंट उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए, यानी कि उन म्यूटेंट को रॉबर्ट के घर का पता भी चल गया है। अब रात होने वाली होती है और म्यूटेंट रॉबर्ट के घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट ने उनसे बचने के लिए पहले से ही घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब लगा रखे होते हैं जिन्हें वो ब्लास्ट कर देता है जिससे काफ़ी म्यूटेंट मारे जाते हैं। लेकिन ब्लास्ट के बाद और भी ज़्यादा म्यूटेंट उसके घर पर हमला करते हैं। इसके बाद एना और रॉबर्ट अब ऊपर जाते हैं जहाँ पर एना का बेटा होता है, वो उसे उठा लेते हैं। रॉबर्ट एना और उसके बेटे को बिल्कुल शांत रहने को कहते हैं क्योंकि छत के ऊपर से म्यूटेंट उसके घर के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक म्यूटेंट एना को देख लेता है। इसके बाद रॉबर्ट उस पर गोलियां चला देता है और वो म्यूटेंट मारा जाता है। इसके बाद रॉबर्ट के घर में बहुत सारे म्यूटेंट आ जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट एना और उसके लड़के को लेकर के अपनी लैब में चला जाता है लेकिन वहाँ भी म्यूटेंट आ जाते हैं। तब रॉबर्ट रिसर्च रूम के दरवाजे को बंद कर लेता है लेकिन म्यूटेंट दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। तब रॉबर्ट समझ जाता है ये यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि म्यूटेंट उन सबको मार नहीं देते। तब रॉबर्ट अपनी एंटीडोट का सैंपल एना को देता है और कहता है तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा, इसी से धरती पहले की तरह बन सकती है। इसके बाद रॉबर्ट एना और उसके लड़के को एक स्टोर के अंदर भेज देता है क्योंकि रॉबर्ट एना और उस एंटीडोट को बचाना चाहता है, इसीलिए वो खुद उस स्टोर के अंदर नहीं जाता है और एक ग्रेनेड को खोल लेता है और उन म्यूटेंट की ओर भागना शुरू कर देता है जिसके बाद वो ग्रेनेड फटता है और सारे के सारे म्यूटेंट मारे जाते हैं, उसके साथ रॉबर्ट भी मारा जाता है। अगली सुबह एना अपने बेटे के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अभी भी लोग जिंदा होते हैं। ये लोग अपने चारों तरफ एक ऊंची सी दीवार बना करके रह रहे होते हैं जिससे कि म्यूटेंट इन पर हमला ना कर सके। तब एना रॉबर्ट के बनाए एंटीडोट को वहां के डॉक्टर्स को दे देती है और रॉबर्ट के बारे में बता देती है और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है।